आइए अपनी आंखों को बंद करें। जीवित और महान सामर्थी पराक्रमी परमेश्वर, फिर से हम सभी लोग मिलकर आपकी महिमा करते हुए अपने अपने घरों में प्रभु, ऐसे समय काल में प्रभु, ऐसे घरों में हमारे ऑनलाइन फैसिलिटी के साथ एकत्रित हो पाए प्रभु, हम धन्यवाद करते पिता। तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद कि हमें एक ऐसा रास्ता आपने दिया है कि जिससे हम एक दूसरे के का हौसला बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे को एनकरेज कर सकते हैं। परमेश्वर हम इस माध्यम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और फिर से जब हम मिलकर प्रभु आपकी अंत के समय की उन घटनाओं के बारे में सीखना चाह रहे हैं, हम आपसे निवेदन करते एकत्रित और जितने भी सभी लोग परिवारजन और सभी लोग मिलकर प्रभु इस बाइबल अभ्यास में जुड़े, हम प्रार्थना करते पिता हर एक कलीसिया के और हम सभी को प्रभु आप क्षमा करें और आपके लहू से हमें धोकर शुद्ध करें। और इस बाइबल अध्ययन में पवित्र आत्मा आप लीडर बने, आप अगुवाई करें और आपकी स्वतंत्रता हर एक जन महसूस करे, ये प्रार्थना है आज हमारी प्रभु। यीशु के लहू का छिड़काव हर एक सुनने वाले व्यक्ति पर, पूरे नेटवर्क पर, पूरे डेटा ऑपरेटिंग पर, सब पर हम यीशु मसीह के बड़े पवित्र लहू का छिड़काव करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में सुरक्षित और यह आशीषित समय को हम जाहिर करते, हम मानते प्रभु तेरे उन वचनों के प्रकाशन को आप फिर से जाहिर करें प्रभु, और हमें आपकी समझ दे प्रभु, स्वर्गीय समझ में इन बातों को हम समझ पाए, ऐसा अनुग्रह हमें होने दे पिता। शैतान की हर रुकावटों को हम यीशु के नाम में निष्फल और बेअसर करते हैं। पवित्र आत्मा आप हम सभी के साथ मौजूद रहे, विशेषकर आपके अभिषेक को और भी रिलीज कीजिए प्रभु, ताकि आपकी महिमा को हम देख पाए प्रभु। यीशु मसीह के बड़े पवित्र नाम में हमारी दुआ है, इसे कबूल करें, आमीन। और आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो पांचवी घोषणा, पांचवा प्रोक्लेमेशन, उसकी ओर हम गौर करेंगे। चौदहवा अध्याय और चौदहवीं आयत अब हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। सो जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी मतलब कटनी की गई, है ना। अब ये पांचवी प्रोक्लेमेशन है नहीं, जो स्वर्गदूत के द्वारा यहाँ पर हुई है। और यहाँ पर जो हम देख पाते, कल देखा था नहीं, कि मनुष्य का पुत्र सरीखा, अब मनुष्य के पुत्र सरीखा मतलब मनुष्य का पुत्र ही है नहीं ये। और यीशु मसीह के लिए बाइबल में, नए नियम में विशेषकर मनुष्य का पुत्र नाम दिया गया है, और यह नाम यीशु मसीह का यह नाम नए नियम में 88 बार आता है, 88 टाइम्स। और यहाँ प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय में यह नाम 88वीं बार है, 88th टाइम यहाँ पर मतलब आखिरी बार ये बताया गया है। अब यहाँ पर हम दूसरी बात देखना चाहें, यह हसुआ, हसुआ हम समझ रहे नहीं कि हसुआ क्या है। हसुआ एक औजार है, जब भी कोई कटनी को, फसल को काटी जाती है तो वहां के खेत मजदूर जो औजार का उपयोग करते हैं वो हसुआ उसको बोलते हैं। यहाँ पर उस हसुए को लेकर कटनी काटी जा रही है नहीं, ये बात बताई गई है। अब देखिए आगे 15वीं आयत, फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि मनुष्य की खेती पक चुकी है। सो जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया
और पृथ्वी की लवनी मतलब कटनी की गई। मतलब यहां पर ये बता रहे हैं परमेश्वर कि बादल पर बैठा था कौन? तो यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ने ये कटनी की, पर ये बात एक प्रोक्लेमेशन है ना, ये एक घोषणा है, ये घटना अभी हुई नहीं है, ये घटना कब होगी उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर लवनी या तो कटनी या तो इंग्लिश में बोलते हार्वेस्ट या तो दूसरा शब्द है फसल, नहीं तो फसल कौन सी फसल यहाँ पर लवनी का है? नहीं, ये आखिरी जो आयतें है 14 से 20 आयत उसमें दो फसल है और यहाँ पहली फसल बताई गई है। तो ये कौन सी फसल है भाई? तो उस फसल के आधार पर हमें पता चलेगा कि ये कौन से लोग हैं जिनको एकत्रित करने की बात है, क्योंकि फसल में काट कर सब कुछ एकत्रित किया जाता है, है ना? और ये कौन सी फसल है और उसके आधार पर हमें ये पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है या तो क्या होने वाला है, तो उसकी ओर हम गौर करेंगे। देखिए बाइबल में तीन प्रकार की फसलों के बारे में वर्णन किया गया है। यहूदियों को पुराने नियम में परमेश्वर ने कुछ पर्व दिए, 7 पर्व थे और उन 7 पर्व में से 3 प्रसंग, 3 ओकेजन ऐसे थे जिसमें यहूदियों को कंपल्सरी अनिवार्य रूप से उनको वहां मौजूद रहना पड़ता था। और ये जो 3 गैदरिंग है, 3 ओकेजन है उनका एकत्रित होना, इसको फसल के साथ कंपेयर किया गया है, नहीं यहूदियों की बात है, ये उनको फसल के साथ कंपेयर किया गया है, मतलब तुलना की गई है। अब ये 3 गैदरिंग जो 3 ओकेजन पर ये 3 गैदरिंग है उसको 3 फसल के साथ कंपेयर किया, तुलना की करते हैं हम। यहूदियों को दिए हुए परमेश्वर के जो पर्व थे उसमें से हर एक पर्व यीशु मसीह अंत समय में क्या करने वाले हैं उसके बारे में वर्णन करते हैं। हर एक पर्व जो पुराने नियम में बताए गए हैं और जो यहूदी लोग उन पर्वों के अनुसार वो पर्वों को मनाते थे, वो पर्व के में विशिष्ट रूप से कुछ मकसद थे। उसमें एक मकसद ये था परमेश्वर का कि अंतिम समय में प्रभु यीशु कुछ करने वाले हैं, नहीं तो उसका चित्रांकन नहीं यहाँ पर इन पर्वों में किया गया है, हम देखेंगे। और ये पर्व 3 अलग अलग सीजन में होते थे, ये 3 गैदरिंग, इसमें से ये 7 पर्वों के अंदर जो 3 गैदरिंग होते थे जिसमें यहूदियों को मौजूद रहना होता था, ये 3 अलग अलग सीजन पर आधार रखते थे, नहीं 3 ऋतुओं पर। पहली है स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु, दूसरी है समर मतलब ग्रीष्मकाल और तीसरी है फॉल मतलब पतझड़। ये 3 अलग अलग सीजन में लोग एकत्रित होते थे और इन 3 सीजन में अलग अलग फसल भी ली जाती थी उस समय में। स्प्रिंग सीजन में जो पर्व कनेक्ट थे उस सीजन के साथ वो थे अखमीरी रोटी का पर्व, फसह का पर्व और प्रथम फल का पर्व, नहीं फीस्ट ऑफ अनलीवन ब्रेड, फीस्ट ऑफ फ्रूट्स, नहीं। और इस समय ये जो सीजन थी वसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन में, ये समय में पहली फसल जो ली जाती थी वो फसल थी जौ की फसल, गुजराती में बोलते जौ, जौ की फसल उस समय ली जाती थी। अब ये जौ की फसल पहले ओकेजन पर, पहले प्रसंग पर ली जाती थी। आप जुड़े रहना, ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना, आपको सब समझ में आ गया, कहीं भी आप मिस हो गए तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अब 7 हफ्ते 7 सप्ताह बीतने पर 50वें का पर्व वहां पर मनाया जाता था। अब यहां पर क्या होता था, गेहूं की फसल का समय आता था, गेहूं की फसल का समय आता था और इस सीजन में एक ही पर्व बनाने की बात थी, वहां पर एक ही पर्व का समय आता था 50 और वो था 50, मतलब 4 पर्व हो गए अब यहां तक। ये दूसरा गैदरिंग था यहूदियों का पर्वों के समय में और तीसरा गैदरिंग जो था उनका, और वो था ये 3 पर्व,
तुरही का पर्व, फिर था पश्चाताप का दिन, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, डे ऑफ अटोनमेंट और झोपड़ियों का पर्व, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स। नहीं, ये तीन पर्व थे यहां पर। अब क्या हुआ, ये तीसरी जो सीजन थी फॉल पतझड़, उसमें ज्यादातर फ्रूट्स नहीं मतलब और मैक्सिमम उसमें मुख्य रूप से इन फलों की फसल में मैक्सिमम प्राइमरीली ग्रेप्स की फसल को लिया जाता था उस समय में। मतलब तीन सीजन तीन अलग अलग फसलें, तीन सीजन तीन अलग अलग फसलें, तीन अलग अलग गैदरिंग। तो यहां पर प्रभु जो हंसिया लगाया और जो कटनी काटी, वो कौन सी कटनी है, वो कौन सी फसल है, उसको हम समझने जा रहे हैं। यीशु मसीह ने बताया था नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार चौथे अध्याय में, ये बात आप खोल के पढ़ सकते हो 35वीं आयत में, कि वहां पर सामरी स्त्री का दृष्टांत बताया गया, वो घटना बताई गई है। और सामरी स्त्री को सब कुछ प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में वर्णन करते हैं। और क्या होता है वहां पर, सामरी स्त्री अपने नगर में अपने शहर में जाती है और सबको बताती है कि जिस मसीहा की हम वाट बाट देख रहे हैं वो तो भविष्य वक्ता, जिसकी बात हम कर रहे हैं वो, जिस उसको मैंने देखा है, उसको मैंने पा लिया है। और वो बहुत सारे लोग उसके साथ हाथ लेकर आती है। और तब यीशु मसीह चेलों को बताते हैं कि देखो खेत पक चुके हैं, अब ये फसल कौन सी है, समझ में आ रहा है, ये फसल कौन सी है, ये गेहूं की फसल की बात है वहां पर। हाँ, ये उद्धार का सुसमाचार सुनाना, ये भी नहीं, प्रभु ने बोला कि मजदूर थोड़े हैं, नहीं फसल पक चुके मजदूर थोड़े हैं, मजदूरों को भेजा जाए, नहीं ऐसी दुआ करो ताकि मजदूर ये फसल काट सके। उद्धार के सुसमाचार की बात है, उद्धार की बात है, ये अंत समय की कटनी की भी बात हो सकती है, ट्रिब्यूलेशन के समय की भी कटनी की बात हो सकती है, पर इसमें से कौन सी विशेष रूप से, क्या अंत समय की कटनी, ट्रिब्यूलेशन के समय की, या तो सल्वेशन उद्धार के समय की बात है, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय अपने सामने खुला रख सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसमें 23 से 25 से 30 आयत, यहां पर परमेश्वर ने जो दृष्टांत बताया है यह वर्णन हम देख लेते हैं। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया, जब अंकुर निकले और बाले लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था, फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए। उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले। उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। नहीं, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। अब इसका पूरा रिवलेशन प्रकाशन 38 से 43 आयत में बताया गया, हम साथ मिलकर वो भी पढ़ लेते हैं। खेत संसार है और अच्छा बीज राज्य की संतान है। मैं शब्द रिपीट करता हूं, राज्य की संतान। कल हमने कुछ सीखा था राज्य का सुसमाचार, यहां पर है राज्य की संतान। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है, क्या लिखा है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म के करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। अच्छा, तो यह पर हमें समझ में आ रहा है कि यह जो फसल की बात यहाँ यीशु मसीह कर रहे हैं, वो फसल गेहूं की फसल है,
मतलब अंत के समय की फसल की बात की गई है। अब हम देखें कि अखमीरी रोटी का पर्व, फसे का पर्व, प्रथम फल का पर्व, जौ की फसल क्या है, यह हो चुका है। यह कैसे हो चुका है यह हमें पता चलेगा। पचासवे का पर्व नहीं, यह भी हो चुका है नहीं तो अब। और तीसरा तुरई का पर्व, पश्चाताप का दिन, झोपड़ियों का पर्व, यह भी बाकी है। जो हो चुका है ये दो है, पहली दो फसलें, तीसरी बाकी है। पर ये जो दूसरी फसल की बात है, जो जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, वो हम कैसे समझ सकते कि ये क्या है। ये युग के अंत के बारे में बोला, ये हम समझ पाए हैं ना। तीसरी फसल को हम अभी नेक्स्ट आयत जो होगी उसमें हम सीखेंगे। पर ये जो दूसरी फसल है वो फसल कौन सी है, गेहूं की फसल, और वो अंतिम समय की कटनी की बात की गई है। अब पहली फसल काटी जा चुकी है, ये तीन पर्व पूरे हो चुके हैं, अखमीरी रोटी का पर्व, फसल पर्व और प्रथम फल का पर्व। प्रथम फल का पर्व पुनरुत्थान के दिन को, प्रभु यीशु मसीह के रिजरेक्शन को चित्रित करता है, बताता है। फसे का पर्व यीशु मसीह के बलिदान को बताता है, उसके दुख सहन को बताता है। और अखमीरी रोटी का पर्व उनके गाड़े जाने को बताता है, है ना। अखमीरी रोटी जिसमें पाप नहीं है, जब गाड़ा गया परमेश्वर को तो नहीं, परमेश्वर पाप ले लिए और फिर उनके शरीर पर सब लेकर उनको जब गाड़ा गया नहीं, और जब वो उठे तो महिमावन शरीर में उठे, मतलब पाप को वहां से नाबूद किया गया। अखमीरी रोटी नहीं, खमीर एक पाप को बताता है। अब ये बात यहां पर पूरी हो चुकी है, पहली फसल जब यीशु मसीह आए इस संसार में, उनका जन्म हुआ तब हो चुकी थी। दूसरी फसल के बारे में हमने देखा कि वो कौन है काटने वाले, स्वर्गदूत है न कि चेले, क्योंकि मत्ती 3:12 में भी इसका वर्णन किया गया है। वहां पर भी चेलो स्वर्गदूत की बात की गई है, यीशु मसीह की बात की गई है। जब यूहन्ना बपतिस्मी बोलता है कि आने वाला अग्नि से बपतिस्मा करेगा, उसके हाथ में उसका सूफ है और जिससे वो गेहूं और उस भूसी को अलग करेगा, नहीं वो बात वहां पर वर्णन की गई है, आपको पता है। यहां पर चेलों ने जब प्रभु, पहली फसल के बारे में देखा जाए बार्ली जौ की फसल, तो प्रभु यीशु का आना, चेलों को सुसमाचार के लिए भेजना, ये सब बातें पहली फसल की बात को बता देती है, साबित करती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 4-9 आयत में नहीं, एक पर कौन सा पर्व था और वहां पर कोई चमत्कार हुआ था, अगर आपको ध्यान में होता है तो वो चमत्कार क्या था, ध्यान में हो तो, कुछ रोटी थी कुछ मछली थी जिसको लेकर परमेश्वर ने मल्टीप्लाई किया, और क्या हुआ वहां पर, कितने लोगों को परोसा गया, 5,000 पुरुष की बात की गई है वहां पर, दूसरे लोग उसके साथ जुड़े हुए लोग तो अलग नहीं, पर 5,000 की बात बाइबल में लिखी है। अब 5 नंबर जो आता है वो ग्रेस बताता है, 5 ग्रेस मतलब अनुग्रह कृपा, क्या जो नंबर है वो ग्रेस है, वो 5 नंबर है ग्रेस। तो यहां पर कितने लोग है, 5,000। कितनी रोटी थी, 5 रोटी थी, है ना। ये बताता है कि 5 रोटी में से 5,000 मतलब ग्रेस मल्टीप्लाइड नहीं, यह अनुग्रह जारी किया गया, कृपा को भरपूरी से लोगों तक पहुंचाया गया जिसमें हम भी शामिल हुए हैं। और उस समय जो रोटी थी वो कौन सी थी, आप निकल कर पढ़े, देखो यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:9 यूहन्ना 6:9, यहां पर जो रोटी थी वो कौन सी रोटी थी, देखो यहाँ एक लड़का है, जब आंद्रियास ने रोटी ने ये सब लोगों में से पूछा गया और कुछ कलेक्ट किया गया, यीशु के पास ला गया भाई क्या है, तो आंद्रिया बोलता है उसके चेलों में से शमौन पत्रस के भाई आंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है, कौन सी है, जौ की रोटी है। जौ की रोटी मतलब ये जो फसल काटी गई, जौ की फसल नहीं, ये वो समय की बात है, मतलब ये प्रथम फसल जो काटी गई उस समय को वर्णन करती है। प्यारो होशिया 3 अध्याय को आप निकाल कर पढ़े, होशिया क्या बताता है, जौ क्या बताता है, ये हम समझेंगे, जौ क्या बताता है।
होशिया तीसरा अध्याय और दूसरी तीसरी आयत, यहां होशे के बारे में, होशिया, होशिया का अर्थ होता है छुटकारा, नहीं परमेश्वर में छुटकारा, परमेश्वर छुटकारा है, नहीं उद्धार यहोवा से है। अब यहां पर जो है होशिया, इंग्लिश में होशिया बोलते हैं, होशे हिंदी में कहते हैं, उसको परमेश्वर कुछ बता रहे हैं और वो करने की बात यहां पर करें। दूसरी और तीसरी आयत पढ़े, तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया। अब ये जौ जो बताता है वो परचेजिंग प्राइस है, नहीं यहां पर कुछ खरीदा जा रहा है और किसको खरीदा जा रहा है, उसकी ब्राइड को खरीद रहे हैं। होशिया अपनी पत्नी को खरीद रहा है और वो क्या थी, वेश्या थी, है ना, एक देव व्यापार करने, उसको खरीदा जा रहा है, उसको ऐसे ही कोई ले नहीं जा सकता, उसके लिए मूल्य देना पड़ता था। और यहां पर मूल्य क्या दिया गया, तो है चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जो। अब चांदी बाइबल में उद्धार को बताता है, चांदी उद्धार को बताता है, रिडेम्पशन नहीं, साल्वेशन को अंकित करता है वो। और जो ये उद्धार को परचेस करने की कीमत, मतलब खरीदने की कीमत बताता है। तो यहां पर कुछ खरीदा गया है और ये क्या बताता है कि यीशु आने वाले समय में यीशु मसीह अपनी कन्या को मोल देकर खरीद लेंगे, ये बात बता रहे हैं, नहीं अपनी कन्या को मोल देकर, और वो मोल क्या था, उनका लहू, मतलब ये जो परचेजिंग प्राइस है, नहीं ये परचेजिंग प्राइस है यहां पर, और जो बताता है कि उसको खरीदना। अब रूथ में भी यही बात है, रूथ को भी उसके जो रिलेटिव होता है बोआज, उसके द्वारा मूल्य देकर छुड़ाया जाता है, उसके लिए भी जौ का मूल्य दिया गया है, वो आप रूथ 1:22 और 3:15 में आप निकाल कर पढ़ सकते हो, पर अभी उसको देखने का समय नहीं है, हम जल्द से जल्द आगे बढ़ेंगे। अब मतलब ये फसल हो चुकी है, 2 फसल बाकी थी गेहूं की, अब ये पर्व भी हो चुका है, अब गेहूं की फसल की बात है, जो जिसको हम यहां पर देख रहे हैं कि अंत की कटनी की बात है। यहां पर मुख्य रूप से अनाज की कटनी और दाख एकत्र करने की फसल, ये जो बात है यहां पर, जो तीसरी फसल थी दाख की फसल थी, जो फ्रूट्स की, वो ये दोनों फसल बाइबल में जो अंतिम समय की बात जो की गई है, वो आर्मागेडन की जो लड़ाई है, हरमगिदोन का जो युद्ध है, उसके समय में घटने वाली बात है, मतलब महाक्लेश के अंत के समय में घटने वाली बात है। यहां पर 3.5 साल की शुरू में, आखिरी 3.5 साल का जो महाक्लेश काल है उसकी शुरुआत में यहां पर उसका प्रोक्लेमेशन, मतलब उद्घोषणा यहां पर हो गई है कि भाई अनंत जीवन के लिए आत्माओं की कटनी, महाक्लेश के समय के सभी शहीदों को, नहीं ये बात बता रही कि उस समय में क्या होगा, तो उस समय में ये सभी शहीद जो होंगे वो पुनर्जीवित किया जाएगा, उनका पुनरुत्थान होगा, है ना। तो जब यीशु मसीह नहीं अपने लोगों को बचाने के लिए, लड़ाई के लिए उस स्कोप को, नहीं बेबीलोन की पूरी शक्ति को खत्म करने के लिए, उस फॉल्स सिस्टम को खत्म करने के लिए, जब परमेश्वर स्वर्ग में से उतरेंगे, तब ये बात भी वहां पर होने वाली है, और वो है पुनरुत्थान, कि जिन जिन लोगों ने उस समय में इस 7 साल के काल में विश्वास किया और यीशु में मारे गए, मतलब उनके यीशु में उनकी मृत्यु हुई, कल हमने सीखा था, उन सब का पुनरुत्थान यहाँ पर होने वाला है प्यारो। तो ये फसल वो फसल है प्यारो, जिसका अनाउंसमेंट परमेश्वर यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये बात आपके समझ में आ रही है, ये हंसुआ क्या था, तो वो गेहूं की कटनी की बात यहाँ पर की गई है। अब आखिरी जो फसल है उसके बारे में हम सीखने का प्रयास करते हैं, दूसरी फसल जो बाकी रही, फाइनल हार्वेस्ट। हम ये फाइनल हार्वेस्ट के लिए 6वीं घोषणा हुई, देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 14:17-20 पढ़ेंगे। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चोखा हंसुआ था,
फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला। मैं शब्द को यहाँ पर लिखा है अलग कलर में इसलिए कि उसमें कुछ महत्व है नहीं, वेदी में से निकला और जिसके पास चोखा हंसुआ था उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। और उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ डाला और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुंड में डाल दिया और नगर के बाहर उस रस के कुंड में दाख रौंदे गए और रस कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा और 100 कोस मतलब 200 माइल तक बह गया। अब ये प्रोक्लेमेशन और दर्शन दोनों साथ में है कि कुछ हुआ है और वो उसमें क्या हुआ है, है ना? जो घोषणा हुई है वो पृथ्वी की दाखलता को काटने की बात है। पृथ्वी की दाखलता, बाइबल में 3 प्रकार की दाखलता का वर्णन किया गया है। उससे पहले एक बात सॉरी हम देख लेना चाहते हैं, यहां पर जो शब्द लिया है 18वीं आयत में, एक और स्वर्गदूत जिससे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला। अब ये वेदी वही वेदी है जिसको हमने 6 अध्याय में देखी थी। अब देखिए 6 अध्याय में कहां देखी थी हमने उसको, 6 अध्याय में 9वीं आयत में जब 5वीं मुहर को खोला गया था तब कुछ देखने को मिला था कि वेदी के नीचे उन लोगों के प्राणों को देखा था जिनका वध किया गया था यीशु की गवाही की वजह से, जिनको वध किया मतलब वो महाक्लेश क्लेश काल के समय में, उस समय में जिनकी मृत्यु हुई थी उन लोगों का वो आत्माएं वहां पर वेदी के नीचे देखा था और उन लोगों ने यह पुकार किया था कि स्वामी तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। अब यहां से यह दूत यहां पर आ रहा है, ये जो बता रहा है यहां पर ये क्या बताता है कि अब वो लहू का बदला लेने का समय, वो न्याय का समय आ चुका है। नहीं, वो न्याय की बात यहां इससे जुड़ी हुई है, ये आखिरी फसल फाइनल हार्वेस्ट, दूसरी हार्वेस्ट इस अध्याय में जो बताई गई वो दूसरी हार्वेस्ट फाइनल हार्वेस्ट अंतिम फसल अंतिम कटनी। अब ये क्या है, अनंत विनाश के लिए आत्माओं की कटनी। आप देखो तो परमेश्वर के प्रकोप के बारे में यह पूरा वर्णन किया गया है क्योंकि दाखों का रौंदना यह परमेश्वर के प्रकोप का उंडेला जाना यह बात बताता है। दाख का रौंदना परमेश्वर के प्रकोप के उंडेले जाना ये हम आयत अभी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। अब जो 3 प्रकार की दाखलता बोली उसमें पहली है यीशु मसीह, यीशु ने बोला था कि मैं सच्ची दाखलता हूं। दूसरा है इज़राइल, नहीं इज़राइल के लिए बाइबल में 80वां भजन उसमें 8-16 में यह बात बताई गई है, अगर आपको निकाल सकते हो तो 8वीं आयत आप निकाल के पढ़ लो, भजन संहिता 80:8। लिखा है तू मिस्र से एक दाखलता ले आया, कौन आया मिस्र से, किसको कौन ले आया, और वो इज़राइल की बात है ना, और अन्य जातियों को निकल कर उसे लगा दिया, तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है। और ये बात क्या बताती है, ये सब ये इज़राइल का वर्णन करती है। यशाया 5वें अध्याय में भी ये बात है, मत्ती 21 में भी यही बात है कि इज़राइल भी परमेश्वर की दाखलता, 2 हो गए तो तीसरी दाखलता वो कौन है और इसके लिए वर्णन क्या किया है। यहां पर दाख पक चुकी है, अगर आप पढ़ोगे तो देखो यहां पर क्या लिखा है 18वीं आयत के अंत भाग में लिखा है कि अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले क्योंकि उसकी दाख, ये पृथ्वी की दाखलता, ये तीसरी दाखलता है, पृथ्वी की दाखलता है और वो पक चुकी है। अब पक चुकी का मतलब यहां पर जो है वो एक शब्द यहां पर लिखा है और वो शब्द है जरेनो, जरेनो फ्रूट दैट इज वेस्टिंग अवे, मतलब
इतना वेस्ट हो चुका है कि पॉइंट ऑफ रोटन मतलब सड़ चुका है, मतलब सड़ने के कगार पर या तो सड़ चुका है, उतने हद तक ये पहुंच चुका है। अब इसको काट लेना ही उचित है, रौंद देना ही उचित है। और यह है पृथ्वी की दाखलता और वो है बेबीलोन वर्ल्डली सिस्टम यारों। और ये वो लोग उससे जुड़े हुए लोग और ये सभी इसमें आते हैं, पृथ्वी की दाखलता। लिखा है फिर एक और स्वर्गदूत जिससे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला। अब ये जो दाखलता है उसकी कटनी की बात है ये, है ना। तो वो आर्मागेडन की जो लड़ाई है हर्मगेदोन की, उसके दौरान ये कटनी होने वाली है और दाखों को रौंदा जाएगा। और नहीं, रौंदा जाना परमेश्वर का प्रकोप बताता है, ये परमेश्वर का न्याय बताता है। आगे जो वेदी में से निकला जो दूत था उसके बारे में हमने सीखा नहीं, उनका बदला, उनका रिवेंज भी यहां पर, उन शहीदों का लहू का बदला भी यहाँ पर उसी लड़ाई के साथ जोड़ा गया है और इन कटोरों के न्याय के साथ कनेक्ट किया है उसके। यह जो फसल है, यह जो हार्वेस्ट है, उसको हार्वेस्ट ऑफ गॉड्स रैथ बोलते हैं, मतलब परमेश्वर के प्रकोप की फसल है ये। देखिए यशाया 63वां अध्याय आप निकालें, क्यों मैं ये निकलवा रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। यशाया 63वां अध्याय और 2-6 आयत पढ़ेंगे। उसमें लिखा है तेरा पहरावा क्यों लाल है। ज्यादातर दाख के कुंड में इज़राइल में जब भी कोई दाख को रौंदता था, एक बड़ा सा कुंड होता था चट्टानों से बना हुआ, उसको बनाया जाता था पत्थरों का और उसमें उसको रौंदा जाता था। और जो लोग रौंदने वाले होते थे उनके कपड़े लाल हो जाते थे, बिल्कुल रेड हो जाते थे। और इसलिए यह लेकर तेरा पहरावा क्यों लाल है, क्या कारण है कि तेरे वस्त्र होद में दाख रोने वाले के समान है। फिर लिखा है मैंने तो अकेले ही होद में दाखे रोंदी है और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रोंदा और जलकर उन्हें लताड़ा, उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया, उनके लहू के छींटे पड़े, क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था। समझ में आ रहा है, बदला लेने का दिन मेरे मन में था, परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं। और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा को का वर्ष आ पहुंचा है, मैंने खोजा पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा, मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था, तब मैंने अपने ही बुझ बल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। और लिखा है हाँ मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा, अपनी जलजलाहट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया और उनके लहू को भूमि पर बहा दिया। फाइनल हार्वेस्ट है ये, नहीं उसके बारे में अंतिम लड़ाई जो आर्मागेडन की जो लड़ाई की बात है वो बात है यहाँ पर, जो 7 साल के अंतिम समय में उसके आसपास के वही समय में यह घटने वाली है। उसके यशाया के 34:7 में भी यही बात का वर्णन किया गया, उसको हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ लेना। मतलब ये पूरा वर्णन आर्मागेडन की लड़ाई का 19वें अध्याय में आता है प्रकाशित वाक्य के, और उसकी घोषणा यहाँ पर हो जाती है कि इस प्रकार यह होने वाला है, रौंदा जाने वाला है। यह लड़ाई पवित्र यरूशलेम नगर से बाहर होने वाली है, एक जगह है मगीडो करके, नहीं मगीदो करके, इसलिए इसको हर्मगीदोन की लड़ाई बोला जाता है। तो यह यरूशलेम से बाहर होने वाली है ताकि रक्त से पूरा नगर पूरा शहर अशुद्ध न हो। देखिए यीशु मसीह ने भी अपना लहू पुराने नियम में जो लिखा था उसके अनुसार उस मांग को पूरा करने के लिए नगर से बाहर बहाया। इब्रानी 13वां अध्याय और 11 और 12वीं आयत आप निकाल के पढ़े तो वो ही बात आपके ध्यान में आएगी। इब्रानी 13 और 11-12, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है, पवित्र स्थान में नहीं ले जाया जाता, छावनी के बाहर जलाई जाती है उनकी देह। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। मतलब ये बात बताती है नगर से बाहर ये लड़ाई होगी जिसका वर्णन हमने यहाँ पर 14वें अध्याय की इस घोषणा में पढ़ा। क्या है नगर और नगर के बाहर उस रस कुंड में दाख रौंदे और रस कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचे। नहीं तो यारो ये बात बताती है
कि ये डिमांड प्रभु यीशु मसीह ने जैसे पूरी की वैसे ही अंतिम समय में भी वो नगर नहीं अशुद्ध ना हो, इसलिए वो लहू इस प्रकार से वहां पर भाई। पर कितना सारा लहू होगा आप देखो यहाँ पर, ये जोसेफस यहूदी जो इतिहासकार हो गया जोसेफस नाम का, उसने अपनी किताब में इतिहास की जो वर्णन है उसका डॉक्यूमेंट है उसमें ये वर्णन किया है कि यरूशलेम का जब विनाश किया गया ईस्वी सन 70 में, जिसकी भविष्यवाणी यीशु मसीह ने की थी कि इसमें का एक पत्थर भी दूसरे पत्थर के ऊपर नहीं रहने पाएगा मंदिर का, ने उसके विरुद्ध भविष्यवाणी की थी क्योंकि फरीसी और वो लोग उस पर गर्व करने लगे थे ने? और प्रभु कुछ और करने जा रहा था नई वाचा के तहत, नहीं मंदिर कुछ और बनाने जा रहा था, वो था हमारा शरीर, प्रभु उसको मंदिर बनाया, इसलिए ये भविष्यवाणी वहां पर की थी और ये मंदिर का हटना वहां जरूरी था। और वो मंदिर का नाश करने के लिए जब टाइटस आया वहां पर तो क्या हुआ था पता है, इतना बड़ा संहार वहां पर हुआ था कि सारा नगर रक्त से इतना भर गया कि अनेक घरों की आग बुझ गई। जोसेफस ने ये अपनी किताब में ये लिखा है कि सारा नगर लहू से इतना भर गया कि उनके घरों की आग भी बुझ गई। प्यार आप सोचो कितना लहू बहा होगा, उससे भी ज्यादा लहू यहां पर बहने वाला है इस लड़ाई में प्यारो। कैसे? क्योंकि यहाँ पर लिखा है घोड़ों की लगामों तक, मतलब घोड़ों की लगाम कहां पर होती है पता है, घोड़े सवार बैठता है तो लगाम कहां पर होती है, वो बैठने वाले के हाथ में, मतलब घोड़े की पीठ तक, नहीं वो हम समझ सकते, तो वहां तक लहू होगा, मतलब इतना सारा लहू तो नहीं हो सकता है, पर लाशों का ढेर। आप सोचिए खून से लथपथ लाशें, इतनी सारी लाशें वहां पर होगी। और प्यारो वहां पर ऐसी लड़ाई नहीं होगी कि जैसे इस संसार में होती है और सैनिक ने सब लोग मिलकर लड़ते हैं ना तलवारबाजी, कोई जो जीत गया जिसका बल नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वैसे नहीं, कि भाई ऐसा नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे आपको पता हो तो 186,000 जो सन्हेरीब राजा की जो लोग नहीं घेरा डाले हुए थे यरूशलेम के विरुद्ध में, और इजिकिया राजा था उस समय में और उसने दुआ की थी और उस दुआ के जवाब में परमेश्वर का एक ही दूत आया था वहां पर और उसने सब खत्म कर दिया था एक ही झटके में। वैसे ही यहाँ पर ये लड़ाई होगी, पर यहाँ पर संहार इस प्रकार होगा और इसीलिए उस समय में गिद्ध वहां पर इकट्ठे होंगे जिसकी शुरुआत अभी से हो रही है, ऐसा अभ्यासियों का ऑब्जर्वेटर्स का मानना है प्यारो। तो यहां तक हमें समझ में आ गया, ये 14वां अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। हम 15वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे और मेरे ख्याल से 2 स्लाइड है, हम उसको देखकर पूरा करेंगे और 15वां अध्याय यहाँ पर पूरा आज हो जाएगा। हाँ 15वें अध्याय की ओर हम कदम बढ़ाते हैं अपने। तो ये अंतिम जो कटनी थी वो समझ में आई, 2 फसलें हैं, वो जो 2 फसलें थी, एक तो परमेश्वर के लोग जो उस समय में होंगे वहां पर उनका पुनरुत्थान, जो लोग होंगे वहां पर वो मौजूद होंगे वो, और उनका जो लोग शहीद हुए उनका पुनरुत्थान, और दूसरी पूरी सिस्टम जो फॉल्स सिस्टम थी और उससे जुड़े हुए लोग, नहीं जो भी लोग है टॉप टू बॉटम बड़े से छोटे सभी लोग, उनके सामने की लड़ाई, उनके ऊपर का प्रभु का कोप। ये अनाउंसमेंट है, मैं फिर से बोलता हूँ, ये प्रोक्लेमेशन था। अब यहां पर प्रोक्लेमेशन पूरे हो गए, अब हम प्रकाशित वाक्य के 15वें अध्याय में आ जाते हैं। अब यहाँ पर वो प्रोक्लेमेशन जितने भी हुए हैं पिछले समय में और उनकी अब शुरुआत हो रही है, अब वहां पर यहाँ पर इनकी शुरुआत हो रही है प्यारों, और उसकी प्रिपरेशन भी हो रही है। अंतिम विपत्तियों के साथ यहाँ पर स्वर्गदूत दिखाई देते हैं, उसका वर्णन इसमें है, और जो अंतिम विपत्तियां हैं इसके लिए वर्णन किया गया कि यह अत्यंत भयानक और असह्य वेदनाओं से भरा हुआ समय होगा। परमेश्वर का प्रकोप मानो इन कटोरों में भर भर के रखा हुआ है, नहीं देखेंगे बोलते हैं कि पाप का बड़ा गड़ा भर गएगा, अधर्म जब भर जाएगा तब ये बात होगी। ऐसे ही यहां पर ये बात हो गई है, क्लेश काल के मध्य काल की बात थी कि अब ये शुरू होने जा रहा है। पहली आयत 15वां अध्याय, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत
जिनके पास सातों अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। सातों अंतिम विपत्तियां। अब यहां पर शब्द क्या लिखा है? अंतिम विपत्तियां। कुछ नए ट्रांसलेशन में पिछली विपत्तियां लिखा है, पिछली मतलब जो आने वाली है, अंतिम विपत्तियां वो वर्णन किया है। इस स्वर्गदूत के पास, ये सात स्वर्गदूत के पास सातों अंतिम विपत्तियां हैं वो देखा गया है। अब ये हो जाएगी, मतलब प्रकोप पूरा हो जाएगा, प्रभु के न्याय का, प्रभु का न्याय यहां पर पूरा हो जाएगा। पर इसको पूरा करने के लिए 3.5 साल का समय जाने वाला है। पहली विपत्तियां, ये अंतिम विपत्तियां हैं 3.5 साल वाली। तो पहली विपत्तियां कौन सी है? तो जो मुहरे खोली गई, सात मुहरे और सात तुरही जो फूकी गई, उसके न्याय के समय में थी, वो पहली विपत्तियां गिनी जाती है जो क्लेश काल के दौरान की थी। हालांकि पांच अंतिम मुहर, सातवीं मुहर और सातवीं तुरही की असर इन कटोरों में सम्मिलित है, जुड़ी हुई है। पर ये जो विपत्तियां थी, पहली विपत्तियां थी मुहरे और तुरहे की, पर कटोरे वाली विपत्तियां ये अंतिम विपत्तियां, इसलिए यहां अंतिम शब्द लिखा है। इसकी शुरुआत छठे चैप्टर से ही हो गई। नहीं, हमने सीखा कि वो मुहरों का जो बात बोली। अब ये दूसरी बात यहां पर लिखे, दूसरे आयत में, और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा, और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे कि, क्या कहते थे? देखिए यहां पर ये दर्शन जो देखा ये बताया गया उसको कैसा है। आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र दिख रहा है आपको, नीचे बादलों का सा जो भाग है वहां पर, महिमामय जो हिस्सा है वो, पर वो कहां पर कांच का सा समुद्र, वो क्या है? आग से मिला हुआ एक समुद्र है यहाँ पर, वो देखा। और उसके पास ये लोग खड़े, कौन? तो के पशु पर विजय पाए लोग, और पशु की मूरत पर विजय पाए लोग, और उस पशु के नाम के अंक पर विजय पाए हुए लोग, उन लोगों को यहां पर खड़ा, मतलब इन सबके सामने खड़े रहे, डटे रहे, प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहे उस क्लेश काल के समय में, नहीं, और उनका वध किया गया, वो लोग शहीद हो गए। ये लोग यहां पर हैं, है ना, ये लोग यहां पर मौजूद है ये दर्शन में। अब समझिए ये कैसे संभव हो सकता है। नहीं, पूरी आयत हम पढ़ लेते हैं। ये गाकर क्या कहते हैं? हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत है, हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा? क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। क्या लिखा है? हो गए हैं, मतलब ये हो चुका है। अब ये परमेश्वर की आराधना उस समय में तो खुलकर शायद नहीं कर पाए होंगे, पर अब ये पूरे स्वतंत्र है, क्योंकि इनका पुनरुत्थान हो चुका है, अंतिम समय, ये सारी विपत्तियां पूरी हो चुके हैं, महाक्लेश काल भी पूरा हो चुका है, पुनरुत्थान हो चुका है इन सभी का, और ये सब लोग अब वहां पर मौजूद है। देखिए किस प्रकार वहां पर मौजूद है, हम कैसे बोल सकते हैं, ये समझ में आएगा आपको। चौथा अध्याय और 1-6 आयत आप निकाले, देखिए चौथा अध्याय प्रकाशित वाक्य 1-6 आयत पर, यहां पर भी एक समुद्र का वर्णन किया गया है। देखो क्या है वो, चौथी आयत से पढ़ते, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। और अंत में 6 आयत में लिखा है, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है।
अब समझ में आया, ये समुद्र वही है, कांच का समुद्र। अब ये क्या बताता है, यहां पर कांच का समुद्र एकदम बिल्लोर के समान, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट है नहीं, पर यहां पर अग्नि मिश्रित है, यहां पर आग से मिला हुआ है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि उस समय वहां पर चौथा अध्याय 1-6 में वो समुद्र उसके पास में कोई न था वहां पर अब यहां महाक्लेश के संतों से ये जगह भर गई है। अब महाक्लेश के संत कैसे आए हैं, अग्नि मिश्रित जो कांच का समुद्र, ये बताता है कि इनकी अग्नि परीक्षा इसको प्रदर्शित करता है। महाक्लेश के समय में जो लोग विश्वास योग्य बने रहेंगे, छाप नहीं लेंगे, डटे रहेंगे, प्रभु का काम करते रहेंगे, प्रभु को महिमा देते रहेंगे और शहीद हो जाएंगे, ये उनकी उनके लिए बहुत कठिन होगा। आज सेवा आसान है आपके लिए, आज प्रभु की सेवा आप खुले मन से पूरे प्रेम से अपनी जान छिड़क कर सकते हो प्यार, पर उस समय में ये बहुत कठिन होगा, उस समय में बहुत कठिन होने वाला है नहीं, जो जो उस समय में रह गए तो उनके लिए ये कठिन होने वाला है। अब ये तो जो चुनते हैं उसके ऊपर डिपेंड है नहीं, चुनाव जो करते हैं उसके ऊपर आधार है। ये इनके लिए एक अग्नि परीक्षा थी प्यारो, ये एक अग्नि परीक्षा से होकर गुजरे, इसलिए यहां पर आग का सा शब्द लिखा है, आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र है प्यारो, और उसके पास ये लोग विजय पाए हुए लोग खड़े है, और ये लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और विजय का गीत गा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया, विजय का गीत गा रहे हैं प्यारो। यहां पर दोनों झुंड नहीं, अब दोनों झुंड कौन से हैं, कांच के समुद्र अर्थात स्वर्ग के सिंहासन के कक्ष में आ गए नहीं, पहले वो नहीं थे यहां पर, चौथे अध्याय में देखा तो पहले ये लोग नहीं थे, वो ये लोग से खाली थी वो जगह, खाली समुद्र था स्फटिक का नहीं, पर अब यहां पर क्या है, अब ये लोग भी आ गए, अब ये लोग महाक्लेश के संत, दोनों झुंड मतलब अन्य जातियां जो विश्वास करेगी वो भी है, और यहूदी लोग और उसमें भी जो 144,000 थे वो लोग, वो सब लोग अब यहां पर है, और उनके हाथों में वीणाएं है नहीं। अब ये बात क्या बताती है पता है, ये आराधना जो बता रही है यहां पर, ये आराधना महाक्लेश काल पूरा हो गया उसके बाद की आराधना है ना, क्योंकि यहां पर हमने देखा कि न्याय के काम प्रकट हो गए है, तेरा न्याय पूरा हो चुका है, महाक्लेश समाप्त हो गया है और वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। यह 3.5 साल के मध्य 7 साल का जो पीरियड है उसमें 3.5 साल का शुरुआत है, जो आखिरी 3.5 साल की उसमें यह दर्शन यहां पर दिखाई दे रहा है, मतलब हुआ है ये, हो चुका है उसका दर्शन यहां पर दिखाई दे रहा है, मतलब ये घटना, ये न्याय हो जाएगा उसके बाद में ये आने वाला है, ये दर्शन यहां पर आगे दिखाई दिया है, और वो लोग विजय का गीत गा रहे हैं। अब दूसरा प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में 9-11 में जो 5वीं मुहर खोली गई उस समय वेदी के नीचे शहीदों की आत्मा के बारे में हमने देखा था ना, तो वो भी महाक्लेश के संत भी नहीं प्रतीक्षा करे, वो उनकी आत्माएं थी वहां पर, देखिए वहां पर उनका शरीर नहीं था, महिमावंत शरीर नहीं था, पर उनकी आत्माएं थी वहां पर, मतलब उनका पुनरुत्थान वहां पर नहीं हुआ था, समझ में आ रहे, उनकी आत्माएं थी, उनका पुनरुत्थान होना बाकी था, अब वो पुनरुत्थान ये 7 साल के अंत में जो बैटल ऑफ आर्मागेडन ये सब हुआ, वो उसके आसपास में ये बात होती है पुनरुत्थान, और उसमें ये इनका पुनरुत्थान होता है, और ये लोग भी वहां पर जुड़े हुए हैं, मतलब वे सब भी जी उठे और इन सब भी के साथ जुड़े हुए, और ये सब यहाँ पर आराधना ये कर रहे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु तेरे कार्य बड़े और अद्भुत है। ये जो शब्द है ना बड़े अद्भुत, ये प्यारो खाली शब्द नहीं है, ये सच में भरे हुए शब्द है, उन अनुभवों में से गुजरे हैं और तब जाकर ये आराधना इनके मुंह से निकली है प्यारो। नहीं आप भी, आपके लिए भी शायद बहुत कठिन समय से, कई बार कठिन हालात में से आप गुजरते होंगे, पर ये सब कुछ आपको आपको तैयार कर रहा है नहीं, इसमें भी जब आप प्रभु की महिमा करते हो तो ये सब ये बात हो जाती है कि हम प्रभु की महिमा हर समय करते हैं, और ये वो लोग है प्यारो ने अनुभव से, प्रभु की गवाही से, प्रभु की आत्मा से ने इन सब बातों से भरे हुए ये लोग है, और वो यहाँ पर पुनरुत्थान के बाद मौजूद है और वो आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, देखो उनके हाथों में वीणा भी है और ये सब कुछ है, ये सब बातें बताती है। आखिरी बात
हम ये देखकर अब पूरा करने जा रहे हैं। 15वां अध्याय 5 से 8 आयत पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 15वां अध्याय और 5 से 8 आयत। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए छाती पर सुनहरे पटुके बांधे हुए मंदिर से निकले और उन चारों प्राणियों में से एक ने उन सात स्वर्गदूतों को परमेश्वर के जो युगानुयुग जीवता है प्रकोप से भरे हुए सात सोने के कटोरे दिए और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया और जब तक उन सातों स्वर्गदूतों की सातों विपत्तियां समाप्त न हुई तब तक कोई मंदिर में न जा सका। अब इसको समझकर हम आज का अध्ययन पूरा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर साक्षी का मंदिर खोला गया है और जो सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी वो देखिए ये मंदिर में से ये बाहर आ रहे हैं। देखिए और उनके उनके वस्त्र देखिए कुछ अलग अलग वस्त्र है देखिए और ये लोग बाहर आ रहे हैं मंदिर में से और उनको कोई कुछ दे रहा है। कौन दे रहा है? तो जो वो चार प्राणी है उसमें से एक, वो चार प्राणियों में से एक कोई है जो इन सातों को ये सोने के कटोरे देता है। अब ये जो कटोरे जो शब्द है हकीकत में जो यूनानी ग्रीक लैंग्वेज है जो मूल ट्रांसलेशन है मूल अनुवाद है जिसमें से उसमें जो शब्द है वो है फियाले फियाले PHIALE फियाले जिसको हम शॉर्ट में नहीं हम बोलते प्याले प्याले नहीं तो ये कटोरे प्याले भी बोल सकते हैं हम। प्यालों का न्याय प्यालों का उंडेला जाना या तो कटोरे का उंडेला जाना। और मंदिर में कुछ प्याले ऐसे थे जिनमें धूप चढ़ाया जाता था और वो सुनहरे प्याले होते थे ये सोने के प्याले नहीं और वो प्याले जिसमें धूप चढ़ाया जाता था वो ही प्याले है यहाँ पर क्योंकि ये लोग मंदिर में से आ रहे हैं उनके पास नहीं। और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया नहीं। अब ये कटोरे के साथ ये धुआं ये कनेक्ट होकर ये बताता है कि मंदिर में भी वहां पर कुछ हो रहा है नहीं, वहां पर धूप चढ़ाया जाता है और वो धूप संतों की प्रार्थनाएं है। हालेलुया, आपकी हमारी दुआएं हैं। अब क्या हुआ यहां आगे ये देखिए ये इनको कटोरे दिए गए अब ये कटोरे लेकर जा रहे हैं है ना न्याय के ये कटोरे हैं कोप के ये कटोरे हैं ये सब लेकर वो जा रहे हैं। अब देखिए यहां जो साक्षी के तंबू का मंदिर ये क्या बताता है? इज़राइल से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं और स्वर्गीय वस्तुओं के साथ वो जुड़ी हुई है नहीं। ये मंदिर इज़राइल के साथ जुड़ा हुआ था मुलाकात मंदिर तंबू का मंदिर जिसको बोलते हैं और सुलेमान ने इसके बाद जो बड़ा मंदिर बनाया वो ये सब कुछ इज़राइल से जुड़ा हुआ है पर ये कहीं ना कहीं स्वर्गीय वस्तुओं के साथ कनेक्टेड है। आपको पता लगे इसलिए मैं इब्रानी 8वां अध्याय और 5वीं आयत आपके लिए पढ़ता हूं। इब्रानी 8 और 5 निकालेंगे आप मेरे साथ अगर आप निकाल सकते हो तो इब्रानी 8 और 5 देखिए क्या लिखा है यहां पर। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। समझे आप मूसा और नहीं इजरायली लोगों ने उस मरुभूमि में जो मंदिर बनाया तंबू बनाया नहीं वो किस आधार पर था उसका बेस उसका आधार कहाँ था तो वो स्वर्ग में का नमूना परमेश्वर ने उनको दिखाया था मूसा को कि भाई तू देख ऐसा ही बनाना है तुझे बिल्कुल ऐसा ही करना है तुझे उसमें ये होगा उसका नाप इतना होगा ये होगा बिल्कुल बिल्कुल उसका प्रतिरूप उसका प्रतिबिंब उसकी मिरर इमेज यहां पर है। 9वां अध्याय निकाले इब्रानी 9 और 23-24 पढ़े देखिए उसमें भी यही बात लिखी हुई है इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए पर स्वर्ग में की वस्तुएं
स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उसके उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया। हाथ से बनाए हुए पवित्र स्थान, हाथों से बनाए हुए इस पृथ्वी पर का नहीं, क्या लिखा है वो, सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है। मतलब सच्चा पवित्र स्थान स्वर्ग, स्वर्ग में नहीं, उसका नमूना है ये। उसमें प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यीशु हमारा महायाजक है प्यारो, और वो उस लहू को बहाकर और उस लहू को लेकर नहीं, साक्षी का जो संदूक था वहां पर, वाचा का जो संदूक था, उसका जो प्रायश्चित का ऊपर का जो ढकना था, वहां पर प्रायश्चित का लहू छिड़कना था, और यीशु ने हमारे प्रायश्चित का लहू वहां पर छिड़का था। अब यहां पर जो बात है, उनका सब कुछ हो चुका था वहां पर, देखिए प्रायश्चित हो चुका था, सब कुछ होगा, ये जिनके ऊपर न्याय होने वाले उनके पापों का भी प्रायश्चित हुआ था, पर इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर अब न्याय आ रहा है। नहीं, उन्होंने स्वीकारा नहीं यीशु के बलिदान को, अब इसलिए उन्होंने जो चुना वो उनके हिस्से में है, इसलिए उन्होंने न्याय को चुना, इसलिए उनके हाथ में न्याय आ रहा है। आप जो चुनाव करोगे वो आपको मिलेगा, आपके हाथ में। यीशु ने, परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में ऐसा बताया कि यह आशीष है और ये श्राप है, यह जीवन है और ये मृत्यु है। श्राप के साथ मृत्यु है, आशीष के साथ जीवन जुड़ा हुआ है। और बाद में लिखा है कि तू जीवन पसंद करता कि तू और तेरी संतान आशीषित हो। तो यह हमारे ऊपर है कि हम क्या चुनाव करते हैं, क्या सिलेक्ट नहीं, क्या पसंद करते हैं। तो ये साक्षी का तंबू का मंदिर ये बात बताता है कि ये उसका नहीं, ये सब बातें प्रतिबिंब थी पृथ्वी पर जो थी वो, पर उसका असल तो स्वर्ग में है। अब यहां पर यह मंदिर खोला गया है, इसका मतलब क्या है, और वो मंदिर में से ये स्वर्गदूत यहाँ पर बाहर है, और उनका जो पहनावा था वो याजकों का पहनावा था। आप देखो तो जिस प्रकार का पहनावा था वो याजक इस प्रकार के पहनावे पहनते थे प्यारों। और ये बताता है कि इनकी सेवा बहुत गंभीर सेवा है, कि परमेश्वर का अंतिम न्याय जाहिर करने की बहुत गंभीर और भारी सेवा इनको सौंपी गई है, इन सात स्वर्गदूतों को, क्योंकि अब याजकों की जरूरत वहां पर नहीं रही है, है ना। अब याजकों की जरूरत वहां, क्यों याजकों की जरूरत नहीं रही है वहां पर, क्योंकि अब सब कुछ पूरा होने वाला है। जिनको प्रायश्चित करना था उन्होंने कर लिया, जिनको नहीं करना था उन्होंने नहीं किया है, अब बाकी कुछ बचा ही नहीं है, तो इसलिए नहीं ये लोग वहां से बाहर आ रहे। और ये बात यहां पर बता रही, मंदिर एक समय शरण का स्थान था, एक समय जो कृपा का स्थान था, अब यहां पर बंद हो गया है, नहीं, अब यहां पर बंद हो रहा है। देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर मंदिर खोला गया पर अब यहां पर कोई जा न जा सका, नहीं, धुएं से भर गया, मतलब अब मानो ये क्लोज हो चुका है, कोई जा नहीं सकता है, मानो क्लोज पोजीशन में आ गया है यहां पर, नहीं, तो अब कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक 3.5 साल नहीं बीतेंगे तब तक कोई इसमें जा नहीं पाएगा। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, महिमा से मंदिर धुएं से भर गया। अब ये क्या बताता है, करुणा और धीरज के दिन पूरे हुए, अब कोई मीडिएशन की जरूरत नहीं है, अब कोई मध्यस्थ नहीं बन सकता या तो रह सकता है, अब कोई मध्यस्थ नहीं, क्योंकि सब कुछ हो चुका है, सब पूरा हो चुका है। आखिरी न्याय भी जो जाहिर करना था वो भी अब वो प्रोसेस में जाहिर हो गया है, इसलिए अब कोई मध्यस्थ नहीं आएगा, भाई प्रभु मैं इनके लिए मध्यस्थी करता हूं, इनको बचा लो प्रभु दया करो, कोई मध्यस्थ जा नहीं सकता, क्योंकि यहां इसीलिए लिखा है कि मंदिर में कोई न जा सका जब तक विपत्तियां समाप्त न हुई। आखिरी आयत में, आखिरी वर्ड में लिखा है, आखिरी लाइन, कि कोई अंदर नहीं जा सका, क्योंकि अब मध्यस्थ की जरूरत ही नहीं है, अब कोई प्रभु कोई मध्यस्थी परमिट ही नहीं कर रही यहां पर, इसका मतलब यह है, नहीं, मतलब न्याय निश्चित है, ये वो बात बताती है कि न्याय कोप निश्चित है, कंफर्म है। अब यहां पर जो खास प्राणी है नहीं, वो जो चार प्राणी, वो
प्रकाशित वाक्य 6:1-8 में हमने पढ़ा था कि वो चार घोड़े सवारों को बुलाते, नहीं लाल फिर सफेद फिर पीला, नहीं ये सब जो घोड़े सवार थे काला घोड़ा, इनको बुला रहे हैं। ये वो ही चार प्राणी है, ये उनको बुला रहे हैं और यही प्राणियों में से कोई एक यहां पर सातों स्वर्गदूतों को सोने के कटोरे दे रहा, वो ही यहां पर अंतिम विपत्तियां, जिसने विपत्तियां शुरुआत की थी जिन प्राणियों के द्वारा, वो ही प्राणियों के द्वारा ये अंतिम विपत्तियां अब हैंड ओवर की जा रही है इन सात स्वर्गदूतों को। अब धुआं जो है यहां पर क्या बताता है, धुआं परमेश्वर की महिमा या और सामर्थ का प्रतीक है, जो आयत यहां पर लिखी है उसी में यह बताया गया है कि यह जो धुआं मन से मंदिर भर गया, यह बताता है कि वो परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की सामर्थ का प्रतीक है। और मैक्सिमम ज्यादातर बाइबल में यह परमेश्वर के न्याय का प्रतीक भी माना गया है। प्रकाशित वाक्य में 10 बार न्याय के संबंध में धुएं को वहां पर बताया गया है, 10 बार ये बात बताई है। तो प्यारो ये बात है यहां पर कि अब ये कोप निश्चित है। नेक्स्ट बाइबल स्टडी जो होगी उसमें हम उन एक एक कटोरे के बारे में देखेंगे कि पहला कटोरा उंडेला गया तो क्या हुआ, दूसरा हो तो क्या हुआ, ये बात हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। पर यहां तक हम ये 14 और 15 अध्याय यहाँ पर पूरा होता है और उसमें जो महत्वपूर्ण मूलभूत बातें थी वो आज हमारे सामने आई है कि ये क्यों भाई मंदिर खोला तो गया पर अब कोई जा क्यों नहीं सकता है, क्योंकि अब कोई प्रभु परमिट नहीं कर रहा है, अब कोई मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके लिए पहले मध्यस्थी जितनी करनी थी वो सारी मध्यस्थी हो चुकी है, यीशु भी मध्यस्थ बन चुका है। अब तो यीशु की तैयारी है इस संसार में आने की, नहीं ये 3.5 साल के समय पूरा होगा, इसका मतलब है महाक्लेश काल जो आखिरी 3.5 साल का पूरा होगा उसके बाद में यीशु का आने का समय है, नहीं द्वितीय आगमन की बात है। तो अब तो सब तैयारियां हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर मंदिर अब मंदिर में कोई प्रवेश नहीं कर पा रहा, ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो प्यारो यहां तक हम जो भी सीखे हैं फिर से एक बार आपके ध्यान में हो तो हम रिपीट कर लेते हैं। आपने देख लिया आज के पहला जो हसिया जो लगाया गया वो पहली फसल थी, जो 14वें अध्याय में जो फसल का वर्णन किया गया बाइबल की वो दूसरी फसल है, पर वो इस अध्याय में पहली फसल है। वो अंतिम कटनी की बात बोली गई है जो युग के अंत में होने वाली है, स्वर्गदूतों के द्वारा होने वाली है। और उसके बाद में हमने देखा था कि दूसरी कटनी नहीं जो जिस जो उन लोगों की होगी जो लोग विरोध में थे परमेश्वर के, जिन्होंने प्रभु के न्याय को चुना, उन लोगों के बारे में था। ये सब बातें आज हमने समझी और उसके बाद में हमने 15वें अध्याय में देखा कि पूरी तैयारियां हो रही है और स्वर्गदूतों को अंतिम विपत्तियां सुपरत की जा रही है, जो तैयार है उनके हाथों में है। और पहली विपत्ति हमने देखा कि मुहूर्त और तुरही की विपत्ति पहली बोली जाती है और ये विपत्तियां अंतिम विपत्तियां बोली जाती है और ये अत्यंत भयानक और असह्य वेदनाओं से भरा हुआ समय होगा प्यारो, ऐसा बताया गया है। उसमें हमने देखा था कि वो स्वर्गीय दर्शन क्या बताता है कि विपत्तियां पूरी हो गई है और पुनरुत्थान पाए हुए रैप्चर पाए हुए संत वहां पर है और वो लोग अब यहाँ पर है और वो लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं। बदला ले लिया गया है, कोप उंडेला जा चुका है और क्रोध प्रकट हो गया है, ये सब बातें है यहाँ पर। तो प्यारो यहां तक जो भी हमने सीखा है मैं विश्वास है कि हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, फिर भी अगर आपको और भी गौर करना है तो आप खुद इसको ऑनलाइन जाकर इसको फिर से आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ये सब ऑनलाइन मौजूद रहेगा। आइए हम दुआ करते हैं और अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने यह समय दिया कि हम साथ मिलकर बिना कोई रुकावट अवरोध के इन सारी बातों को समझ पाए, सीख पाए और यहां तक प्रभु ने उनकी अनसुलझी और जो ना समझ में समझ में नहीं आ रहे थे ऐसी बातों को प्रभु ने प्रकट किया, प्रकाशित किया। प्रभु का धन्यवाद करें प्यारो, प्रभु का आभार माने प्यारो कि घर में हाँ आप लोग बैठे हो नहीं और प्रभु का आत्मा आपके सामने इन सारी बातों को रख रहा है प्यारो। इस
इसके पीछे का मकसद परमेश्वर का क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? इन सारी घटनाओं को प्रभु आपके सामने रख रहा है, इसका इसका तात्पर्य क्या है, इसके पीछे का क्यों, क्यों ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, क्यों ये सब कुछ हमारे सामने प्रभु रख रहे हैं? इसीलिए प्यारो कि इन सब में आप और मैं शामिल ना हो, इसलिए प्यारो कि आप और मैं परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाए, ये इसलिए प्यारो कि हम ऐसा जीवन जिए कि जो जिसको जो प्रभु पसंद करता है प्यारो। और आइए प्यारो हम अपने आप को प्रभु के सामने रखते हैं, प्रभु से कहे प्रभु तू मुझे, तू प्रसन्न हो, ऐसा जीवन दे प्रभु, ऐसी लाइफस्टाइल दे प्रभु कि जिससे तू सच में प्रसन्न हो, तू खुश हो प्रभु। मेरा जीवन अगर मैं दूसरों को खुश करने के लिए जीऊंगा तो शायद वो यहीं का यहीं रह जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग यहीं रह जाएंगे। पर प्रभु अगर तुझे खुश करने के लिए जीऊंगा तो प्रभु मैं सच में अनंत जीवन की कटनी में शामिल होऊंगा प्रभु, मैं उस समय में प्रभु तेरे मेघारूण के समय में प्रभु तेरे साथ जुड़ूंगा प्रभु। और प्रभु मुझे उस समय तक विश्वास में दृढ़ और स्थिर बने रहने का तू अनुग्रह दे। इस संसार की विपत्तियां उस समय तक जो भी आएगी प्रभु उसका सामना करने की ताकत दे प्रभु। जिन परीक्षाओं का, जिन परीक्षणों का मुझे सामना करना है प्रभु, प्रभु तू मुझे सिखा, तू मेरी मदद कर प्रभु कि उन सब का सामना प्रभु मैं धीरज से करता रहूं प्रभु। ये सब कुछ प्यारो आपकी और हमारी तैयारी का समय है प्यारो। प्रभु प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु तू हमें और भी तैयार होने के लिए मदद कर प्रभु, कि प्रभु उस समय के लिए जैसी तैयारी से पूरे हुए लोग आप चाहते हो वैसे हम तैयार हो पाए परमेश्वर। प्रभु हम आपके हाथों में हमारे जीवन को सौंपते, हमारे जीवन के अंदर होने वाली सभी घटनाओं को जो आने वाले समय में होने वाली है सबके ऊपर तेरा अधिकार बना रहे प्रभु। प्रभु यीशु के नाम में तेरा अधिकार रहे और तेरी ही इच्छा उन सारी विघ्नों में परिपूर्ण हो, यह हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। आपकी इच्छा हमारे जीवनों के द्वारा इस संसार में हम जब तक जिए और जब तक आप ना आए तब तक पूरी होती जाए, यह हमारी प्रार्थना है प्रभु। हमें पवित्र जीवन की ओर तू बढ़ने में अनुग्रह देती था। इन बाइबल अध्ययन के इस सुंदर और आशीषित समय के लिए फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन दुआओं को आपके चरणों में लाते से और भी आशीषित करें सुनने वाले लोगों को, हर एक को प्रभु जो भी इसको सुने इसमें शामिल हो, हर एक जन प्रभु बहुताय से तेरी आशीष पाए, आपकी महिमा हो उस जीवनों से। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन।